हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। हमारे साथ है तुषार और आप हमसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे टिगोर 2018 का रिव्यू दे दो। तो तुषार हमारे साथ वॉलंटियर कर रहे हैं टू गिव अस हिज टिगोर फॉर अ रिव्यू, और ये टिगोर 2018 है। अगर आप हमारे साथ पहले बार जुड़ रहे हैं, मेरा नाम है रत्न थिरानी और शुरू करते हैं आज का डिटेल सेशन। अब अगर आप टाटा टिगोर को देखते हैं तो ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट एन ऑल न्यू कार, इट्स जस्ट अ मॉडल ईयर अपग्रेड। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आए हैं और साथ में आया है एक्स जेड प्लस वेरिएंट, जो पहले नहीं था। पहले एक्स जेड ऑप्शन वेरिएंट था। अगर आपको याद होगा, हमने टिगोर का लॉन्ग टर्म रिपोर्ट बनाए हैं, टिगोर का कंपेरिजन किया है विथ अमेज, अस्पायर, बहुत सारी गाड़ियों के साथ कंपेयर किया है, एंड दिस कार वॉज ऑलवेज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। पर इसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो मिसिंग थे और अब टाटा मोटर्स ने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। सबसे पहले जो नया फीचर आया वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का। जी हाँ दोस्तों, जो हमने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखे थे इन द टाटा टियागो, टाटा टिगोर JTP, वो फीचर अब इसमें आ गया है। तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और लाइट पहले से बड़ी हो गई है। ये डबल बैरल हेडलैम्प है और एक प्रोजेक्टर लाइट है और एक रेगुलर हेडलैम्प है। साथ ही साथ इसमें नया कलर इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज़ दिस ब्लू। एंड जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो साइड से आपको ये वैसे ही लगेगी जैसे द करंट टिगोर लुक्स। हावेवर जब आप इसका रियर देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ गया है। एक तो जो उसके टेल लैम्प्स है वो अब क्रिस्टलाइन है एंड दैट डज स्टैंड आउट, क्योंकि वो रेड कलर के नहीं दिखते हैं, दे आर वाइट इन कलर। और विद दिस इजिप्शियन ब्लू कलर, ये बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज लग रहा है ऑल इन ऑल। अब चलते हैं कार के अंदर, बताने इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं ऑन द इनसाइड। टाटा टिगोर 2018 के अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये वैसे ही है जैसे टिगोर के थे। एज ए सेट ये एक सिर्फ मॉडल ईयर अपग्रेड है। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं इसमें, पर कुछ निकाले भी गए हैं। हम आएंगे उन फीचर्स एडिशन और निकाले क्या गए हैं। ये एक्स जेड प्लस वेरियंट है, तो इसमें आपको नया मिलता है एक टच स्क्रीन सिस्टम। पुराना टच स्क्रीन सिस्टम काफ़ी छोटा था, दिस इज़ मच बिगर। इनफैक्ट ये नेक्सॉन वाला टच स्क्रीन सिस्टम है विथ सम चेंजेस, क्योंकि उसमें एप्पल कारप्ले आता है, इसमें सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो ही मिलता है। पर मेरे हिसाब से इट्स ओके, क्योंकि ओनली 1% ऑफ इंडिया ओन्स आईफोन्स, तो उस हिसाब से एक्चुअली सही भी है। अब अगर आप इसका टच एंड फील देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है, सेम क्वालिटी मेंटेन की गई है। हमेशा से हमारा ये राय रहे कि कंपनीज जो फीचर्स हमें देती है और जो कस्टमर रहता है उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट कट रहता ही है। और आज हम आपको बताते हैं कि जो क्वालिटी यहाँ पे है सेम वही है जो हमारी टेस्ट कार्स में आते हैं हमारे पास। यहाँ पे टच स्क्रीन सिस्टम जो दिया हुआ है, दैट इज़ अगेन द मेन टॉकिंग पॉइंट। 7 इंच का है, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, इट्स ईजी टू यूज़। और साथ में इसमें जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव की गई है। पर पहले जो नेक्सॉन आती है बेसिकली, क्योंकि नेक्सॉन का टच स्क्रीन है, तो नेक्सॉन में डायनमिक रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया है, यानी कि जब आप अपना एंगल चेंज करते हैं स्टेयरिंग व्हील से तो ये भी एंगल चेंज करता है, पर इसमें फिक्स्ड ही है। अगेन क्लाइमेट कंट्रोल जो है नीचे दिया हुआ है विथ जो उसका डिस्प्ले बीइंग ऑन द टच स्क्रीन सिस्टम, ये चीज़ मेंटेन की गई है गाड़ी में। साथ ही साथ जो ये प्लस माइनस के बटन है, मेरे हिसाब से ये थोड़े ऑफ है और इसकी जगह एक नॉब दे देना चाहिए था, विच वुड हैव मेड थिंग्स अ लॉट मोर इजियर फॉर द यूज़र। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी माइनर चेंजेस किए गए हैं। देखिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वैसे ही दिखता है जैसे पहले दिखता था। हावेवर जो इसका ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसका डिस्प्ले में माइनर ट्वीक्स किया गया है और ये पहले से ज़्यादा अपीलिंग टू द आई लग रहा है। सेम इन्फॉर्मेशन देता है, माइलेज, इंस्टेंट माइलेज और ट्रिप डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो सब सेम मेंटेन्ड है इसमें, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसका डिज़ाइन थोड़ा ऑल्टर किया गया है, खास करके फ्यूल बार्स का। साथ में इसमें एक और एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है, वो ये है कि इसकी जो सीट्स है ना, इसको फैब्रिक चेंज किया गया है और साथ में इस पर आर्टिफिशियल लेदर भी दिया गया है, जिससे थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड अप मार्केट फील होती है फॉर श्योर। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है इस गाड़ी के फ्रंट सीट्स के, और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, बोल्स्ट्रिंग काफ़ी बढ़िया है एंड इट्स गुड इनफ फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। स्टीयरिंग व्हील अगर आप एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको हाइट मिलता है, रीच एडजस्टमेंट इसको नहीं आता है एट ऑल। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पैकेज, और फ्रंट में ये टच स्क्रीन आने के बाद इट फील्स अ लॉट बेटर।
साथ में एक चीज़ और चेंज की गई है कि पहले कार के इंटीरियर्स जो थे वो कलर के आपको एसी वेंट्स मिलते थे, अब वो निकाल दिया गया है और उसकी जगह यहाँ पे क्रोम दिया गया है, यहाँ सिल्वर दिया गया है और साथ में ये दोनों साइड के एसी वेंट्स के लिए भी किया गया है। ग्लव बॉक्स की साइज़ भी सेम ही है जो पहले थी एंड दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट मेरे हिसाब से। डोर पैड्स में आधे लीटर के दो दो बॉटलें बैठ सकती है, नॉट वन लीटर बॉटल एट वन शॉट। डोर हैंडल्स पे अभी भी क्रोम मेंटेन्ड है और जो आपका ग्रिप पार्ट है यहाँ पे वो उसको फिनिश दिया गया है ऑफ पियानो ब्लैक। अब मैं आपको कॉस्ट कट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे पहले पीछे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता था आगे और पीछे दोनों तरफ, अब केवल आगे मिलता है, पीछे नहीं मिलता है। ये जो मोबाइल स्टोरेज एरिया थी यहाँ पे वो काफ़ी डीप होती थी, अब इसे लेवल करके थोड़ा छोटा कर दिया गया है जो यूज़ में काफ़ी ईजी हो गया है, पर मेरे हिसाब से वो बड़ी स्पेस वॉज रियली अ बिग कन्वीनियंस फैक्टर। टिगोर के रियर सीट्स काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल है, पीछे आपको मोर देन सफिशिएंट नी रूम है और हेडरूम भी सेम है। अब देखिए, क्योंकि ये एक मॉडल ईयर चेंज है तो इसके डायमेंशंस में कुछ अंतर नहीं है, तो अगर आपने हमारे पुराने टिगोर के वीडियोस देखे हैं तो उसमें जो स्पेस है सेम इसमें ऑफर कर दी गई है। अब क्योंकि ये ZX Plus है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हाउएवर जो चीज़ मिसिंग है मेरे हिसाब से वो है रियर एसी वेंट्स अभी भी, एंड दे आर डेफिनेटली अ सोर पॉइंट। इसको 500 ml की बॉटल होल्डर है ऑन द डोर पैड्स, और अब क्योंकि इसमें आपको बेटर अपोल्सी दिया हुआ है और साथ में आपको आर्टिफिशियल लेदर भी ऑफर किया गया, तो आपका जो आर्म रेस्ट है दैट आल्सो हैज़ आर्टिफिशियल लेदर, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर आप कप यहाँ रखते हैं फॉर इंस्टेंस और कभी स्पिल होता है तो वो फैब्रिक में अब्जॉर्ब हो जाता है, पर ऑन द लेदर इट डज़ अ मच बेटर जॉब। तो मेरे हिसाब से ये जो एडिशन किया है बहुत बढ़िया है। अगर तीन लोग पीछे बैठते हैं फुल साइज़ एडल्ट्स तो उनके लिए थोड़ा टाइट होगा एट द बैक, पर दो लोग और एक बच्चा आराम से ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे जो टनल है ये भी थोड़ा ऊंचा है और ये थोड़ा लो किया जा सकता था, पर एनीवेज आई थिंक ये उनका नेक्स्ट मॉडल जो आएगा, जो 2-5 साल बाद आएगा, तब उसमें चेंजेस किए जाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंजेस राइट नाउ इन दिस डायरेक्शन। अब देखते हैं गाड़ी का बूट एंड वील टेल यू हाउ बिग इट इज़। अब देखिए, इस कार का बूट एक्सेस करने के लिए तीन तरीके हैं, एक अंदर बटन दबाइए, दूसरा यहाँ पे चाबी डालिए और तीसरा जहाँ पे आपको लाइट इंडिकेटर है उसको प्रेस कर दीजिए और आपका बूट खुल जाएगा इस तरह के। अब इसका बूट जो है क्लोज टू 420 liters है, पर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं हर बार बताता हूँ वो ये है कि इसका जो हिंज है ना वो अंदर नहीं जाता है, वो बाहर ही रह जाता है, जिसके कारण आपका जो बूट स्पेस है दैट इज़ कम्प्लीटली यूटिलाइजेबल। अब जो कॉस्ट कट हुआ है उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहला कॉस्ट कट, यहाँ से उन्होंने इंसुलेशन हटा दिया है, अंडरनीथ जो इंसुलेशन आता था वो भी हटा दिया है, विच इज़ डेफिनेटली आई थिंक जो हम इसके गुण गा रहे थे कि ये इसमें प्लस है वो अब हटा दिया गया है। साथ में अगर आप इसका स्पेयर टायर देखते हैं तो वो भी 15 inch नहीं है, 14 inch का है, विच इज़ अ फ्लैट बेसिकली स्पेस सेवर, तो आप इस पे 80 के ऊपर नहीं जा सकते इस गाड़ी में। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ गुड इज दिस कार। टाटा टिगोर में अभी भी पुश स्टार्ट नहीं आता है, की आती है और इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.05 लीटर डीजल इंजन आता है, दोनों सेम इंजन है, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, दोनों की माइलेज सेम है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि पेट्रोल में आपको 5-speed मैनुअल एंड 5-speed AMT आते हैं, डीजल में आपको केवल 5-speed मैनुअल ही आता है। सिटी में आपको माइलेज मिलेगा क्लोज टू 13-15 किलोमीटर्स पर लीटर ऑन द मैनुअल पेट्रोल, और AMT में आपको मिलेगा 12-14। वहीं पे अगर आप हाईवे की बात करते हैं तो पेट्रोल मैनुअल आपको देता है 17-19 और हाईवे पे देगा 16-18। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ ग्रेट पैकेज। परफॉर्मेंस इसका उतना दमदार नहीं है जितना अगर आप एस्पायर से कंपेयर करें या फिर डिज़ायर से कंपेयर करें, बट इट्स ग्रेट इनफ फॉर डेली सिटी ड्राइविंग। आपको दो मोड्स आते हैं, सिटी एंड इको, जो काफ़ी इजी है टू यूज़ और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है गाड़ी चलाने के लिए। अगर आपको डेली ड्राइविंग 50 किलोमीटर से कम है पर डे तो पेट्रोल आपके लिए बेस्ट चॉइस है। और देखिए, फ़िलहाल मैं इसे काफ़ी ख़राब रास्तों से चला रहा हूँ एंड द राइड क्वालिटी इज़ फिनॉमिनल, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको गड्ढे महसूस नहीं हो रहे, दो आई एम एट लो स्पीड्स राइट नाउ, एंड हैंडलिंग भी गाड़ी की हमेशा से अच्छी रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है 2018 मॉडल में,
टायर साइज भी सेम है, टायर अलॉय भी बेसिकली अलॉय इज ऑल्सो द सेम, तो कुछ अंतर नहीं आया इन द प्रोडक्ट. तो इस वजह से इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स में कुछ चेंज नहीं हुआ है. जेटीपी जो है वो थोड़ी अलग है ऑफकोर्स, और जेटीपी का वीडियो हमने अलग से बनाया. अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं. तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आपको टिगोर कंसिडर करनी चाहिए या नहीं. 2018 मॉडल में कुछ अच्छे अपग्रेड्स आए हैं एंड द टॉप एंड मॉडल हैज़ बिकम इवन बेटर. अगेन वन सोर पॉइंट, एक ही सोर पॉइंट है, ABS स्टैंडर्ड नहीं है अक्रॉस ऑल वेरियंट्स. और ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई है, क्योंकि आई थिंक हर ऑटोमेकर को, खास करके जब आप ऐसी अच्छी दिखने वाली गाड़ी दे रहे हो, तो उसकी सेफ्टी भी ध्यान में रखनी चाहिए. अगर आप मुझसे पूछे, XZ Plus इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, और XZ वेरिएंट भी बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स है. तो अगर आप मार्केट में आए हैं टू बाय अ कॉम्पैक्ट सेडान, तो मेरे हिसाब से टाटा टिगोर इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर यू. और ये हमारे काफ़ी टेस्ट में विनर आई है एंड हैज़ कम एज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज एज वेल. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू फॉर फॉलोइंग मोटर ऑक्टेन, हमें इंडिया के सबसे बड़े हिंदी ऑटो यूट्यूब चैनल. हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ.